गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों को तो देखा बहुत दिन हो गया। आप लोग तो बोल भी नहीं रहे हो कि ये कोरोना खत्म हो जाए, स्कूल खुल जाए। किसी बच्चे के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि स्कूल खुल जाए। वो बहुत मस्ती कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि काश ऐसे ही और छुट्टी होता। आप लोगों को मजा आ रहा है ना? मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। आप लोगों से दूर रहकर आप लोगों को देखने का मन हो रहा है। किसी दिन वीडियो कॉल करते हैं पूरे ग्रुप में आप लोगों को, ठीक है? आप लोग आइएगा कॉल पे, हम आप लोगों को देखेंगे, क्योंकि आप लोग से प्यार करते हैं ना। आप लोग भी हमसे प्यार करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पहले नंबर्स के बारे में जाना, जो कि हमारे योग्य टीचर पिंकी मिस ने आपको सिखाया। तो आइए हम आज डिस्कस करते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। पिंकी मिस आज आपको ऑनलाइन स्टडी नहीं करा पा रही हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए ये क्लास मुझे लेना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द नंबर इन द वैल्यू ऑफ द डिजिट एंड इट्स पोजीशन, यानी किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू किस पोजीशन पे है उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाता है। जैसे मैं देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, लैक। सबसे पहले हम लोग सिक्स डिजिट के नंबर के बारे में ही देख लेते हैं। अब देखिए डिजिट कैसे सिक्स हुआ, मैंने ऐसे कैसे बोल दिया 1 2 3 4 5 6। सिक्स डिजिट का नंबर बना ना, यानी सिक्स डिजिट के नंबर में लैक तक नंबर होता है। अब जरा देखिए, हम तो प्लेस वैल्यू की चर्चा कर रहे हैं, यानी जिसका स्थानीय मान। तो यह किस प्लेस पे है? थ्री वंस प्लेस पे है ना, इसलिए इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 3 × 1 = 3। ये हुआ प्लेस वैल्यू। अब देखिए, मान लीजिए इसको छोड़ दिए, इसको चेक कर रहे हैं। तो ये जो नंबर है ये किस पोजिशन पे स्थित है वही उसका प्लेस हो जाएगा। देखिए प्लेस हो गया ना ये, तो ये किस पोजिशन पे? 1000। तो ये क्या हो जाएगा? 6 × 1000, यही हो गया इसका प्लेस वैल्यू। देख लीजिए, अब अगला नंबर देख लीजिए, 8 किस प्लेस पे है? तो लैक प्लेस पे है, तो 8 × 1 लैक मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 8 लैक्स हुआ। अब देखिए आप लोग यहां पे देख लिए कि प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है। इसको एक आसान मेथड, मान लीजिए ये आपको बोलने नहीं आ रहा है 1, 10, 100, 1000, जबकि आता है, सबको आता है बोलने, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। जैसे इस प्लेस वैल्यू का नंबर हमें निकालना है, तो ये नंबर आप राइट कर लीजिए और जितना डिजिट आ रहा है उतना जीरो डाल दीजिए। देखिए 1 2 3 4, तो क्या कीजिए 1 2 3 4, आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं फेस वैल्यू के बारे में। तो आइए देखते हैं फेस वैल्यू के बारे में। ये तो प्लेस वैल्यू आप अच्छे तरीके से समझ गए। प्लेस वैल्यू देखिए, आप एक निकाल करके चेक कर लीजिए। सपोज कीजिए कि आपको 3, 5, 9, 8, 7 में 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 1, 10, 100, 9 किस प्लेस पे? 100। तो 9 × 100 = 900। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो, सीधे आप ऐसे लिख दे रहे हो 900, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि 100 प्लेस आप समझ चुके हो। आइए अब देखते हैं फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इटसेल्फ, किसी भी प्लेस पे कोई भी नंबर रहे, चाहे वो वंस पे रहे, चाहे टेंथ पे रहे टेंथ पे, या हंड्रेड पे, या थाउजेंड पे, या 10,000 पे, कहीं भी वो नंबर रहे, उसका फेस वैल्यू मतलब जातीय मान वो खुद हो जाता है, स्वयं हो जाता है। जैसे राहुल सर का जातीय मान राहुल सर हो जाएंगे, जैसे आप लोगों का जातीय मान आप लोग हो जाओगे, वैसे ही इस नंबर में कहीं भी किसी पोजिशन पे नंबर रहे उसका फेस वैल्यू वो नंबर खुद हो जाता है। जैसे देख लीजिए 3, 5, 9, 2, 8, यहाँ 2 का फेस वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ तो प्लेस नहीं पूछा जा रहा ना, फेस जातीय मान, तो 2 ही हो जाएगा।
का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 ही हो जाएगा। 9 का फेस वैल्यू तो 9 ही हो जाएगा। यानी फेस वैल्यू वो नंबर, जो नंबर का फेस वैल्यू पूछा जाए वही नंबर बोल दीजिए, आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब देखिए कहीं कहीं दिया रहता है डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, तो ये हम लोग चर्चा अगले क्लास में करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। आज के लिए इतना ही, और मस्ती कीजिए, मन लगा के पढ़िए, और खूब खाइए, खूब सोइए। सोइएगा तो पढ़िएगा कब, नहीं ना होगा पढ़ाई सोइएगा तो हम इस पे आपको होमवर्क प्रोवाइड करेंगे और इसे आप सॉल्व करोगे, उसके बाद घर में ही खेलोगे, बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि बाहर बाहर के लोग आ रहे हैं और अपने घर आ जा रहे हैं बिना बताए, तो हो सके कि अगर वो कोरोना लेकर आए गए तो हम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए आप लोग घर पे रहिए और सेफ रहिए, मन लगा के पढ़िए और मम्मी पापा का बात मानिए। बाय माय डियर स्टूडेंट।